हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जिन बच्चों का 29 तारीख को पेपर है, बार बार वो लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली, तो उन लोगों के लिए मेरे भाई आज से अभी हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम BDKDN BSC पे, तुरंत जैसे ही वीडियो पब्लिक होगी वैसे ही आपको मिल जाएंगी सर, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो हम आपके लिए बनाने वाले हैं मेरे भाई, ये है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। BSC फाइनल ईयर में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पहला पेपर है और इसमें मोस्ट वांटेड है मेरे भाई, कोई कंडीशन हो जो ये ना आए, वरना आपको ये लॉन्ग में मेरे भाई 15 नंबर में दिख जाएगा, 10 नंबर में, ठीक है भाई। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन की जुगाड़ है, आइए एक एक करके आपको बताते हैं, शुरू करते हैं किस तरीके से चीजें होने वाली, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो हमने यहां पे लिख दिया है पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जब ये पूछेगा तो पहले कहेगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, इसके मेन पोस्टुलेट्स बताइए, यानी अवधारणाएं बताइए, और साथ में क्या करना है, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी है आपको, ठीक है। अब देखा जाए तो अगर आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको ये बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत आराम से इसे प्रूव भी कर देंगे, देखना भाई। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है कि फिजिक्स के सभी लॉज की फॉर्म इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होती है। आपने पढ़ रखा है पिछले क्लासों में दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, ठीक है। तो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं वो उसमें कोई भी लॉ हो, फिजिक्स के जितने भी लॉ हो उनकी फॉर्म हमेशा सेम रहती है। और दूसरा स्पीड ऑफ लाइट सभी इनर्शियल फ्रेम्स में इक्वल होती है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है मेरे भाई, सी का मान कितना होता है, 3×10^8, ध्यान से समझिएगा पूरी बात को, मीटर प्रति सेकंड। होता क्या है, एक होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, यानी पुराना वाला, जहां पर स्पीड बहुत कम होगी वहां पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे, लेकिन जहां पर स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो वहां पर हम लोग निकालेंगे क्या, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। किस तरीके से इक्वेशन बनेगी, क्या क्या होगा, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा ये बड़ा होने वाला है लेकिन मेरे भाई पेपर में आपको नंबर पक्के करा के देगा, ध्यान से सुनिए। हमने कहा माना दो इनर्शियल फ्रेम्स S और S डैश हैं, हटाओ उसे छोड़ो, यहां देखो मेरे भाई ये दो फ्रेम्स आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होता है, देखो जब भी कभी कोई घटना होती है, घटना को मतलब अपनी भाषा में कहें तो जब भी कभी कोई इवेंट होता है तो वो इवेंट, जैसे मान लिया अखबार में आपके पिताजी बैठे हुए हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी बोले कि ऐसा है आज जो है गोली चल गई, तो आप क्या कहोगे, कहाँ चली गोली, कब चली, कैसे चली। तो अब आदमी बताएगा, कोई लोकेशन बताएगा, लोकेशन कैसे बताएगा कि मतलब उन्होंने कह दिया कि जहां पे भैया जो है, मान लिया हम कहते कोई भी नाम ले लो, जहां पे मान लिया खिरनी बाग चौराहा है वहां पे चल गई इस तरीके से, या जहां बहादुरगंज तिराहा है वहां पे चल गई, तो कोई लोकेशन आपको लेनी पड़ेगी ना। उसी तरीके से मान लिया कोई इवेंट हो रहा है, जैसे मान लिया ये कोई पार्टिकल है यहां पर, तो अब इसे हम कैसे नाप सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं मेरे भाई। ये कौन सी एक्सिस होती है एक्स, ये कौन सी होती है वाई, ये कौन सी होती है जेड, यहां बीच में क्या मान लेते हैं बताओ, मूल बिंदु यानी ओरिजिन 0.0। तो अगर एक्स की तरफ, बल्कि 0.0.0 यानी एक्स 0 वाई 0 जेड 0 यहां पे है, एक्स की तरफ चलेंगे तो एक्स वाला मान बढ़ेगा, वाई की तरफ चलेंगे तो वाई वाला मान बढ़ेगा, जेड की तरफ चलेंगे तो जेड वाला मान बढ़ेगा। यानी अभी आप फाइनल ईयर में हो, इतना आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम एक बेस बनाते हुए आपके लिए चल रहे हैं सर, ठीक है। तो अब देखो, तो अब यहां पर क्या, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको दिख रहे हैं, पहला क्या है एस है, ठीक है, ये देखिए पहला ये एक्स वाई डैश, ठीक है, और दूसरा कौन सा हमने मान लिया, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश यानी एस डैश मान रखा। थोड़ा सा हम इसे छोटा कर दे रहे हैं, बहुत आराम से होगा मेरे भाई, टेंशन मत लेना कतई भी, सिर्फ देखते रहना आप, ठीक है। देखिए सर, तो हमने यहां पे क्या लिखा, माना दो इनर्शियल फ्रेम्स S और S डैश है, ये वाला S है ये वाला S डैश है, फ्रेम S कांस्टेंट है, यानी जो ये वाला फ्रेम है ये अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है, लेकिन जो S डैश है उसे लोग S प्राइम भी बोलते हैं, हम थोड़ा देसी आदमी तो हम S डैश ही बोलेंगे, ठीक है, लेकिन जो S डैश है वो S के रिस्पेक्ट में X एक्सिस के अलोंग V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहां पे ध्यान से सुनिएगा, ये वाला कांस्टेंट है, ये वाला फ्रेम चल रहा है, और किधर चल रहा है, एक्स एक्सिस में चल रहा है, तो बाई और जेड से कोई मतलब नहीं होगा, बाई और जेड दोनों के लिए सेम रहेंगे, सिर्फ एक्स वाले का मान बदलेगा मेरे भाई, ठीक। तो दूसरा वाला फ्रेम एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, ठीक है भाई, इसमें दोनों के ओरिजिन ओ और ओ डैश संपाति मतलब एक लाइन में रहेंगे सर, ठीक है, ये ओ है ये ओ डैश है, और एक ही लाइन पर कुल मिला के जो एस डैश है वो मूव कर रहा है, एस वाला यहां पर रुका हुआ है, ठीक भाई। अब क्या हुआ, हमने ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दिए दोनों, ध्यान से समझना, इनर्शियल फ्रेम, यहां पर एक पॉइंट पी है जो मूव कर रहा है, अपनी भाषा में कहें तो, अब उसके लिए अगर आप यहां से दूरी नापोगे तो वो क्या होगी,
यहां से क्या होगी, एक्स वाई जेड टी। जरा ध्यान से समझिए मेरे भाई कि भैया इसके जो हम लोग निकालने वाले हैं कोऑर्डिनेट्स वो क्या होंगे बताओ। एक्स की तरफ मान लिया कितना चला है, एक्स चला है। वाई की तरफ कितना चला मान लिया, वाई चला है। जेड की तरफ कितना चला है, जेड चला है। और टाइम कितना ले रहा है, टी टाइम ले रहा है। ठीक है, अगर यहां से नापोगे मेरे भाई तो इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, x डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश मेरे भाई। ठीक है, ये पूरा फ्रेम चल रहा है x की तरफ, ध्यान से समझिएगा, पूरा फ्रेम कहां, x की तरफ चल रहा है। वाई जेड से इसका कोई भी मतलब नहीं है। तो अगर हम इस दूरी को नापने की कोशिश करेंगे मेरे भाई तो कैसे निकलेगी, अंडर रूट x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर, ऐसे तो निकलेगी ना। इसे नापने की कोशिश करेंगे तो कैसे निकलेगी, अंडर रूट x डैश स्क्वायर y डैश स्क्वायर z डैश स्क्वायर, ऐसे करके निकल आएगी मेरे भाई। अब हम करेंगे क्या, जरा समझना बहुत आराम से। हमने क्या किया, हमने लिखा माना t बराबर t डैश पर एक लाइट रे पॉइंट O से स्टार्ट होती है, यानी जिस समय हम शुरुआत कर रहे हैं उस समय t और t डैश का मान बराबर है, और ये लाइट कहां से चलनी शुरू हो रही है, O से चलनी स्टार्ट हो रही है मेरे भाई। ठीक है, जब लाइट पॉइंट P पर पहुंचती है, जब लाइट पॉइंट P पर पहुंचती है तब माना O और O डैश पर खड़े ऑब्जर्वर्स द्वारा पॉइंट P की पोजीशन कितनी है बताओ, आपको दिखा रखा है P की पोजीशन, अगर कोई O पे खड़ा हुआ है तो कितनी है, x, y, z, t, O डैश वाले के लिए कितनी है, x डैश y डैश z डैश और t डैश है मेरे भाई। ठीक है, तब माना O और O डैश पर खड़े ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन इतनी है, लाइट की वेलोसिटी कितनी है, c है। हमने आपको पहले ही बताया जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी हम लोग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, तो वेलोसिटी कितनी है, c, यानी प्रकाश की चाल है। तब फ्रेम S से P तक पहुंचने में लगा समय, सबको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय को काहे से लिख दिया, t से लिख दिया बताओ। S से P तक पहुंच रहा तो S वाले से दूरी कितनी है, नॉर्मल x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर बटे में चाल कितनी लिख दी, c लिख दी। c को कहां ले आओगे, इधर ले आओगे, अंडर रूट हो गया, स्क्वायर हटाओगे क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसे भी इधर ले आए, माइनस का c स्क्वायर t स्क्वायर बराबर जीरो हो गया। समीकरण हमने बना ली एक मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर क्या है, ऐसे ही दूसरा फ्रेम है एस डैश है, उसके लिए भी फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय लगाएंगे, समय लगा के हल करेंगे ये आ जाएगा कैसे, एक्स की जगह एक्स डैश, वाई की जगह वाई डैश, जेड की जगह जेड डैश, टी की जगह टी डैश, बात खत्म। तो इतना लंबा फार्मूला लगाने की क्या जरूरत, हमने बाई सिमेट्री लिख दिया या सिमिलरली लिख दिया। ठीक भाई, अब ये क्वेश्चन नंबर वन है, ये क्वेश्चन नंबर टू है, दोनों का मान क्या है, जीरो है, तो दोनों को हम लोग बराबर कर सकते हैं। हमने क्या किया मेरे भाई, दोनों को बराबर कर दिया। जब हमने दोनों को बराबर किया हमने लिखा परंतु मोशन केवल एक्स एक्सिस के लिए, और हमने आपको बताया x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है बाई और जेड के लिए नहीं, तो बाई का मान बाई डैश के बराबर होगा, जेड का मान जेड डैश के बराबर होगा, क्योंकि ये तो मूव ही नहीं कर रहा, बराबर है दोनों के लिए, इसका बाई इसका बाई डैश, इसका जेड डैश बराबर है। x और x डैश में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि x के लिए वो मूव करता जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें y डैश और y का मान बराबर ये कैंसिल हो जाएगा, z डैश और z का मान बराबर ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या मेरे भाई, बचेगा ये x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t स्क्वायर बराबर x डैश स्क्वायर प्लस c स्क्वायर t डैश स्क्वायर। समीकरण हमने बना दी चार। ठीक है भाई, अब हमने लिखा फ्रॉम एस डैश एस के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देखिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा, कोई रटने वाला मतलब नहीं। सबसे पहले हमने एस वाले फ्रेम के लिए चार बराबर दूरी बटे समय लगाया फार्मूला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिस्टेंस आई, फिर दूसरे के लिए सिमिलरली लगाया, दोनों को बराबर किया, काटा पीटा एक समीकरण बना ली। अब हमें मालूम है वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है फ्रेम, तो हमने लिखा तब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि एक्स डैश का मान एक्स माइनस वी टी के बराबर होगा। सर जी ये कहां से उठा ला, समझाते हैं, जरा यहां देखो x डैश बराबर होगा x माइनस vt के। जरा देखिए मेरे भाई, हम कह रहे हैं इस चित्र में कि जो x डैश का मान है, देखिए x डैश का जो मान है वो x माइनस vt के बराबर है। लो समझाते हैं कैसे, बताओ ये वाला जो फ्रेम है ये अगर हम यहां से देखेंगे यहां से तो बताओ कितनी होगी डिस्टेंस, ये x होगी भाई, सीधी सी बात है यार, अब यार फाइनल ईयर में इतना तो समझ में आ रहा है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, x होगी ना पी तक, क्योंकि ये नॉर्मल है बिना डैश वाला, लोग इसे प्राइम भी बोलते हैं, आप बोल सकते हैं चाहो तो। ठीक, यहाँ O डैश से ये कितनी डिस्टेंस होगी, x डैश होगी भाई, सीधी सी बात है क्योंकि पीछे डैश वाला चल रहा है। अगर हम ये वाली दूरी निकालना चाहें तो चाल बराबर क्या होता, दूरी बटा समय, बताओ चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय होगा। अगर सिर्फ इतने के लिए निकालें, इसे x से नहीं लिख रहा हम, दूरी लिख दे रहा है, तो अगर t को इधर ले आएंगे तो ये दूरी कितनी हो जाएगी मेरे भाई, vt हो जाएगी, कोई दिक्कत, तो ये दूरी कितनी है बताइए, vt है, तो यहाँ कितना लिख दिया, vt लिख दिया, तो अब बताओ पूरी दूरी कितनी है,
x है, पूरी दूरी कितनी है x है, तो हम अब यहां पर ध्यान देते देखिए पूरी दूरी कितनी है x है, बराबर में ये वाली दूरी कितनी है vt है, प्लस में उधर की दूरी कितनी है x डैश है। अगर हम x डैश का मान निकालें तो vt को कहां भेजेंगे इधर, तो x डैश बराबर कितना आ जाएगा x माइनस vt आ जाएगा। यही तो हमने लिखा है x डैश बराबर कितना आ गया x माइनस vt आ गया, क्योंकि यहां से कोऑर्डिनेट देखो ना कितना x है, यहां से देखो ना कितना x डैश है, टाइम कितना इधर के लिए t है ना मेरे भाई। तो अगर इस दूरी को निकालना चाहें तो चाल बराबर दूरी बटे समय से vt निकल के आएगा, तो यहां से मान आ जाएगा कितना x डैश बराबर x माइनस vt। तो हमने लिख दिया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ये वैसे भी क्वेश्चन होती है, गैलीलियन वाला इतना तो अपने पास टाइम नहीं है क्योंकि आपके पेपर और ना ही वो पेपर में आता है, तो जो आता है उसी पे काम करना है। फिर इसका दूसरा अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें तो x डैश की जगह x हो जाएगा, x की जगह x डैश हो जाएगा, v तो वैसे रहेगा वेलोसिटी है, और t की जगह क्या हो जाएगा t डैश हो जाएगा। अगर दूसरे फ्रेम में बनाने की कोशिश करें, कुल मिला के जहां डैश होता है हटा देते हैं, नहीं होता है लगा देते हैं, दोनों फ्रेम का बन जाएगा सर, ठीक है। तो ये पहले फ्रेम के लिए हो गया, ये दूसरे के लिए हो गया, लेकिन ये क्या है, ये है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कब काम करता है, जब वेलोसिटी कम होती है, तो हमने यहां पे लिख दिया, परंतु यदि वेलोसिटी अधिक हो तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें बनाना पड़ेगा एक नया ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब कैसे बनेगा, तो हम इसके साथ में कोई नियतांक मान लेंगे। तो हमने नियतांक क्या मान लिया, x डैश के साथ में मान लिया गामा, और x के साथ में मान लिया गामा डैश, ठीक। यहां x डैश बराबर गामा x माइनस bt, इधर सिर्फ x चल रहा तो सिर्फ गामा आ गया, इधर डैश वाले चल रहे थे तो गामा डैश मान लिया। ये क्या है, गामा और गामा डैश नियतांक है। अगर हम इनके मान निकाल के इस समीकरण में रख देंगे तो समझ लीजिए अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉरेंट वाला है वो बन जाएगा। अभी तक ये क्या है, अभी तक ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन है, लेकिन ये अपने लिए काम नहीं आ रही है। क्यों काम नहीं आ रही, क्योंकि वेलोसिटी बहुत कम है। तो अगर वेलोसिटी ज्यादा चाहिए तो हमें लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए हमने इसमें दो नियतांकों से गुणा कर दी, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दी। अगर हम कांस्टेंट का मान निकालने में कामयाब हो जाते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेंगे। तो हमने नीचे लिख दिया, जहां गामा और गामा डैश कांस्टेंट है, जिन्हें हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई। ये रही इक्वेशन नंबर 5, ये रही इक्वेशन नंबर 6। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 5 और 6 से उठा के मान रख दिया। देखना मेरे भाई कैसे, यहां x चल रहा है लिखा हुआ है, गामा डैश चल रहा है लिखा हुआ, x डैश का मान ये वाला रख देंगे। x डैश का मान क्या है, गामा है, x है माइनस vt है, प्लस का vt डैश है मेरे भाई, ठीक। सारे मान हमने रख दिए, मल्टीप्लाई करी, जो कैंसिल हो जाने दो, मान निकल के आ जाएगा x बराबर गामा डैश, पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर दी, सारे मान निकल के आ गए, हल किया और यहां से मान निकाल लिया हमने t डैश का, कोई बड़ी बात नहीं है। t डैश का मान अपने पास निकल आया, इसे बना ली इक्वेशन नंबर 7, ठीक। जब t डैश का मान निकल आया तो समीकरण 4 में x डैश और t डैश का मान हम लोग रखेंगे। समीकरण 4 कहां है, लो भैया देखो, जे रही समीकरण 4, यह है समीकरण 4 जो अपनों ने इक्वेशन बना रखी थी। सबसे पहले दोनों को बराबर करके हल किया था, चाल बराबर दूरी बटे समय को। तो यहां पे x डैश और t डैश का मान हम लोग रख देंगे। देखो भैया बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा, x डैश ये इधर वाला ऐसे चलने दिया, x डैश और t डैश का मान हमने रख दिया, मान रखा, उसके बाद क्या किया, एक्स स्क्वायर वाला एक साइड ले लिया, 2xt कॉमन ले लिया, यानी x स्क्वायर के साथ में जो चल रहा था, x स्क्वायर के साथ में जो चल रहा था वो सब क्या आ गया, कॉमन आ गया। जैसे यहां देखो x स्क्वायर कॉमन लिया, यहां x स्क्वायर के साथ में कौन चल रहा, गामा स्क्वायर, तो गामा स्क्वायर है, यहां अंदर मल्टीप्लाई होगी, x स्क्वायर एकम x स्क्वायर चल रहा था, ठीक, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। यानी ओवरऑल जब हम लोग इसे हल करेंगे, जितना भी इंतजाम चल रहा है कट के पिट के ड्रामेबाजी होके, तो x स्क्वायर का गुणांक हमने अलग कर लिया, 2xt का गुणांक हमने अलग कर लिया, ठीक, आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ डाल देंगे। यदि x स्क्वायर 2xt व t स्क्वायर के गुणांक शून्य हो जाए, जो तीनों के गुणांक हैं वो शून्य हो जाए तो क्या होगा, तो लियो भैया क्या होगा, तब एक सर्वसमिका बनेगी, टी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर बराबर जीरो। यानी ये कंडीशन है, और ये कंडीशन कब बनेगी, जब इसके गुणांक एक्स स्क्वायर 2xt और टी स्क्वायर के गुणांक जीरो होंगे, तब ये कंडीशन बन के आएगी। तो हमने क्या किया, जरा देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, 1 माइनस गामा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, और ये पूरा जो गुणांक है इसे जीरो रख दिया हमने, ये देखो इसे रख दिया जीरो। ऐसे ही इसका गुणांक 2xt का ये चल रहा है, इसे भी हमने जीरो रख दिया, ठीक।
ये देखिए दोनों गुणांक हमने जीरो रख दिए। जीरो रखने के बाद कह रहा है अगर गुणांक जीरो हो तो ये कंडीशन फॉलो होगी, ये सर्व समीका है। तो हमने दोनों गुणांक जीरो रखे और तब इस कंडीशन को ले लिया। ये देखो ये पूरा सी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लैम्डा सॉरी गामा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सर जी टी कहां उठा लेगा? अबे टी स्क्वायर का तो ये क्या कह रहा है एक्स स्क्वायर टू एक्स टी बाय टी स्क्वायर का गुणांक जीरो, तो ये भी तो टी स्क्वायर का गुणांक ही है ना, तो इसका गुणांक भी हमने क्या करा जीरो ले लिया। ठीक, यहां से हल किया, गामा स्क्वायर का मान अपने पास निकल आया। गामा स्क्वायर का मान निकल आया तो स्क्वायर हटाया, रूट लगा दिया, गामा का मान भी निकला। हम लोग निकाल क्या रहे थे? गामा और गामा डैश ही तो निकाल रहे थे। तभी तो हमला अपने पास जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो कौन सा था? गैलीलियन था। उसमें हमने गामा और गामा डैश से गुणा कर दी थी। अगर गामा और गामा डैश का मान रख देंगे तो वो लॉरेंट बन जाएगा। तो भैया यहां से गामा का मान निकल आया, गामा का मान उठा के समीकरण 10 में रख दिया, हल किया मेरे भाई, और जब हल किया तो हल होके गामा गामा डैश का मान आ गया। ठीक, गामा गामा डैश का मान आ गया, तो इक्वेशन नंबर 12 और 13 में उठा के मान रखेंगे, हल करेंगे इक्वेशन नंबर 14, गामा डैश का मान भी अपने पास निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हमने पहले गामा का मान निकला, समीकरण में रखते गए और गामा डैश का मान भी निकल आया। जब दोनों मान निकल आए तो वो जो हमने सबसे ऊपर इक्वेशन बनाई थी जहां पे गामा और गामा डैश का मान था मान रख देंगे। अतः लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन निम्न होंगे, एक्स डैश बराबर या गामा चल रहा था गामा का मान रख दिया, वाई डैश बराबर वाई ही रहेगा क्योंकि मोशन हो नहीं रहा है, जेड डैश बराबर जेड रहेगा क्योंकि जेड एक्सिस में मोशन हो नहीं रहा है। ऐसे ही टी डैश का मान हो जाएगा इतना, कैसे? क्योंकि यहां पे गामा डैश का मान इतना रख देंगे और ये आ जाएगा प्रूव होके से। ठीक है, उसी तरीके से सिमिलरली इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो क्या करोगे बताओ? एक्स की जगह एक्स डैश कर दो, टी की जगह टी डैश कर दो। हमने आपसे कहा जहां पर टी डैश है उसे हटा दो, जहां पर नहीं है उसे लगा दो, वो हो जाएगा उसका उल्टा यानी इनवर्स हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे टी डैश था तो ये टी के लिए हो गया। ये भैया पूरे प्रूव होगा लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी बिल्कुल आसान है। आपको करना क्या है, इसकी पीडीएफ जैसे ही ये वीडियो पब्लिक हुई है वैसे ही हम पीडीएफ डाल देंगे बी डिकेडियन बीएससी पे, आराम से इसे मन लगा के पूरा पढ़ डालिए। ज्यादातर कंडीशनों में ये पेपर में लॉन्ग में आ जाता है, आए ना आए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कोशिश ना करें वो गलत चीज़ है। तो हम कोशिश कर रहे हैं आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करने की, और ये पीडीएफ आपको मिल रही है, पेपर आपका 29 को है। आराम से अगर आप अभी देख रहे हो वीडियो तो इस पूरे क्वेश्चन को आराम से देखो पीडीएफ में, अभी यहां तक आपने देख ही लिया होगा, पूरा क्वेश्चन को पीडीएफ में जाकर प्रैक्टिस करो, एक बार खुद लगा के देखो और आपके लॉन्ग क्वेश्चन पक्के हो सकते हैं। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, अभी इसके बाद हम एक वीडियो और तुरंत शूट कर रहे हैं जो एस बराबर के लॉग पी करके आता है, प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी के बीच में रिलेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको लॉन्ग में मिल सकता है। और इस तरीके की जितने भी लॉन्ग आते हैं वो सब आप तक पहुंचाने की कोशिश है ताकि आप पेपर बहुत अच्छे से कर पाए। कोई दिक्कत है नीचे कॉमेंट करके जरूर बता देना। बाकी हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, कोई बेचारा परेशान घूम रहा हो तो उस तक ये वीडियो को शेयर कर देना, पुराने हो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।